अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। और आज है हमारी इस सीरीज का, हमारे इस प्रोजेक्ट इवन 4.0 का फाइनली आज फाइनल डे आ चुका है। और आई होप सो आज फाइनल डे होगा, क्योंकि गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट कह सकते हैं हम 90-95% कंप्लीटेड है। और बस कुछ छोटी सी चीज़ें रह गई हैं जो कि आज वाले दिन में हम इंशाल्लाह इस व्लॉग में कवर कर लेंगे। और बस सीन ये है, अभी फ़िलहाल हम लोग निकले हैं अपनी स्टैटिक कार को लेकर, स्टैटिक इवन 4.0 को लेकर, जो कि एक्सट्रीमली स्टैटिक है। और यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस टाइम क्या वाइब है, क्या लोगों के रिएक्शंस हैं, वो मैं आप लोगों को जितने रिकॉर्ड कर सकता हूँ ज़रूर दिखाऊँगा। क्योंकि जो इस टाइम रिएक्शंस मिल रहे हैं ना, वो पैसे पूरे कर जाते हैं। और जो इस टाइम वाइब हम ले रहे हैं इस वक्त, एंड वो सिर्फ वही बंदा फील कर सकता है जिसने इतनी मेहनत की हो, जितने स्ट्रगल के बाद वो इस पॉइंट पे जब पहुंचते हैं ना, तो वो पैसे पूरे हो जाते हैं। बस अभी फ़िलहाल जी हम जा रहे हैं शहजाद भाई के पास वापस, जो कल काम अधूरा रह गया था, बैक फिटमेंट। मैंने आपको बताया था बैक से कैंपर गाड़ी नहीं हुई, बैक फिटमेंट बिल्कुल रह गई है, अभी वो उठाई हुई है गाड़ी, तो वो जाके प्यारी सी फिटमेंट हुए करते हैं कैंपर। कल 12 घंटे मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट में एक ये प्रोजेक्ट था, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। 12 घंटों के अंदर हम लोगों ने सिर्फ कह लें आप फ्रंट बिठाया सही प्रॉपर, बैक फिर भी नहीं बैठा। खैर जाके करते हैं, इसको करना है आज वाला दिन, इसलिए मैंने एक दो दिन पहले चूज़ किया था ताकि मुझे ये वाले मसले ना हों। पिछले क्लिप में थोड़ी सी अगर आवाज़ का इशू हो तो वो मैं शीशा बंद करना भूल गया था, क्योंकि लाहौर का मौसम। A few moments later. और वॉइस ये होती है नज़र, और माशाल्लाह कहना चाहिए हमेशा। अभी जितनी खुशी थी, जितनी एक्साइटमेंट थी इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ क्लिप, यही क्लिप रिकॉर्ड करते हुए और मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जी मेन फिरोजपुर रोड पे हमारी गाड़ी एकदम से मिड लेन में आ रहा था और एक छोटा सा बम्प आया है, और बम्प के वक्त क्या हुआ है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। गाड़ी का जी हमारा स्ट्रेच खुल गया है और इस टाइम समझ कुछ नहीं आ रहा क्या करना है, चेक लगाने की जगह नहीं है, उसके बाद गाड़ी ईंट पे नहीं चढ़ सकती और कुछ आइडिया नहीं हो रहा फ़िलहाल क्या। अहमद गए हैं पेट्रोल पंप है साथ ही एक बंदे का पता करने, वहाँ से अगर कोई मिल जाए हमारा हेल्पर कोई, वो हेल्प कर दे थोड़ी सी आकर अगर। और ये जी हमारे पास आखिर 10 मिनट के बाद रिकवरी बॉयज़ आ चुके हैं, और जुम्मा हमारा मिस हो गया है, 1:33 हो गया है, और मुझे ये था कि इस टाइम तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और फिलहाल देखते हैं जैक इसको किस तरह से लगाना है। यार जैक मेरे ख्याल से ना पीछे वाली साइड से लगाना पड़ेगा, अहमद ऊपर से प्लेट उठा लें, इसका कुछ उगाड़ लगाते हैं और फिर निकलते हैं। मुझे इसी चीज़ का डर था, इसी वजह से मैं ट्यूब्स नहीं डलवाना चाह रहा था, हमेशा स्ट्रेच की तरफ जाना ज़्यादा सेफ़ होता है ट्यूब्स के नस्बत। ट्यूब का किसी भी बम्प वगैरह पे वॉल निकल सकता है और वो फिर हवा निकल जाती है और टायर फारिक नीचे हो जाता है। तो बस कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंसान सीखता है, और आप लोगों के साथ भी मैं आगे इसलिए बताता था कि आप लोग इस मसले को फेस ना करें। ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। और इसी के साथ आज का लेसन, नेवर ट्रस्ट एनीवन। कोई नहीं, चलता है, ज़िंदगी है, स्टैटिक गेम, उन मेरे आगे गल छोटी, ये वही सीन है। कोई नहीं, स्टपनी लगाते हैं, इधर से टायर नहीं हुआ जाते हैं चीनो भाई के पास और उनको जाके बताते हैं, उनको जाके थोड़ा करते भी हैं कि उन्होंने ये मेरे से झूठ क्यों बोला कि टायर स्ट्रेच किए गए हैं, जबकि टायर्स में ट्यूब्स थी। मैं टायर रिम उनको रखवा के आ गया था और मुझे उन्होंने कॉल की कि टायर स्ट्रेच हो गए हैं, अब आ जाओ। क्या कह सकते हैं यार, ये दुनिया वाकई में ट्रस्ट के काबिल नहीं है। आप जितना जिसको अच्छा समझ लो, कहीं ना कोई बंदा आपके साथ झूठ बोल ही जाता है। खैर इसमें कुछ कर नहीं सकते, अभी बस ये स्टपनी लगाई है, इसके ऊपर अल्लाह करे खैरियत से हम फैसलाबाद तक पहुँच जाएँ, और बस फिर जाके हमारा जुमा भी मिस हो गया मुझे, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। और बाकी गाड़ी का भी अच्छा भला, ये एक सेटिस्फेक्शन थी यार, वो सारी जो एक्साइटमेंट थी निकलते हुए, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखी होगी, वो एक्साइटमेंट का बेड़ा गर्क हो गया। तो जी पहुँच गए हम किसी तरह स्टपनियाँ लगाते लगाते इन चीनू भाई के पास, और
यहाँ पे दोबारा हमारा काम स्टार्ट हुआ है। अब इसको दोबारा से वॉल ख़राब हो गया हुआ था, वॉल दोबारा लगाते हैं और ट्यूब में हवा भरते हैं और गुड टू गो जय अल्लाह करे। और अब दोबारा मसला ना आए शो तक कम अज़ कम कोई। और गाड़ी बहुत गंदी हुई हुई है इस टाइम, गाड़ी को वॉश करवाते हैं, अलाइनमेंट होनी है, कब से छोटी छोटी चीज़ें वो पहले बैक से गाड़ी बिठा लें फिर इंशाल्लाह। बैक से भी ये काफ़ी ज़्यादा गया था। वापस पहुंच चुके हैं जी हम उसी जगह पे कल जहां हमने पूरा दिन अपना स्पेंड किया था और शहजाद भाई के पास। गाड़ी फ्रंट से तो बिल्कुल ओके हैं लेकिन बैक से इनको दोबारा हम तकलीफ़ दे रहे हैं। बैक से गाड़ी दोबारा बिठानी है और कैम्बर करनी है। अभी फ़िलहाल कैम्बर बहुत ज़्यादा कम है, ये ना होने बराबर है, प्रॉपरली कैम्बर होगा। कल हमने एक दफ़ा किया था लेकिन वो उसमें फिटमेंट वगैरह नहीं आ रही थी, लेकिन इस दफ़ा आप प्रॉपर काम करेंगे। थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया, थोड़ा सा हम लोग फ्रेश हो गए, खुद भी थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं इस वजह से बस। फिर और बाकी इनको हमने दोबारा लगा दी है गाड़ी कैम्बर करने के लिए, तो ये काम चल रहा है अभी, बस देखते हैं फिर क्या बनता है। ये जी हमारे पार्टनर आ चुके हैं जिन्होंने कल हमारी बड़ी हेल्प की और सुबह से लेकर रात 2 बजे तक ये मेरे साथ साथ ही जलील हुए हैं, बराबर जलील हुए हैं, हम अकेले नहीं हुए। वालेकुम अस्सलाम सर जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र आ गए आपके पास वापस, देख लें मोहब्बत हो गया क्रीम ब्लॉक से इसको। आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे तो है भी केला। भाईजान क्या लगता है अब आपको, क्या लगता है अब आपको बैठेगा? नहीं यार अब ना बैठी ना तो अब इसको करना भी नहीं है। तो जी पिछले टायर दोनों कैम्बर कर दिए हैं और अब उम्मीद है कि हमें इस दफ़ा गाड़ी पूरी बैठ जाएगी और हमें बार बार खोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि कैम्बर अच्छा हो गया। कन्फर्म है नहीं तो इस बंदे ने हमें ऐसे ही भेज देना, नहीं तो दोबारा खोल लेंगे। जैनवन इतना किसी गाड़ी ने कभी नहीं जलील किया ना। चलो जी हाँ जी तो जी भाई सीन्स कुछ इस तरह के हैं कि गाड़ी की फिटमेंट आप लोग देख सकते हैं, फ्रंट एंड द बैक द रियल गेम। जी बॉयज तो टाइम हो रहा है इस टाइम पूरे 6 बजे, ठीक है, और हम लोग आए थे 3 बजे और आज यही था, आज इस उम्मीद के साथ आए थे कि जी बड़े फ्रेश आए हैं और तकरीबन आधे घंटे के अंदर हमने गाड़ी कर लेनी है और इसको लेकर जाना और काम शाम करने हैं। आज फिर से रात हो चुकी है हमें और आवाजारी कल से भी ज़्यादा हो गई है क्योंकि इतनी इस गाड़ी के ऊपर मेहनत कर ली है। यकीन करो 8-10 बंदे हैं लगे हुए हैं मुसलसल, सारे अपने मशवरे दे रहे हैं, टिल होती है ना एक अपनी, हर बंदे ने टिल लगा दी कि इस तरह कर लेते हैं इस तरह। गाड़ी ने कहा मैंने नहीं, या बैठती है तो बिल्कुल रिम्स के ऊपर आके गिर जाएगी जहाँ पर गाड़ी चल नहीं सकती, गाड़ी स्टक हो जाती है, या फिर बीच में गैप रह जाता है। अब हम कह रहे हैं जब 2 दिन इतनी मेहनत इतनी स्ट्रगल के बाद अगर हम लोग प्यारी फिटमेंट बिठा के या कैम्बर करके ना जाएँ तो फिर तो फ़ायदा ही कोई नहीं हमारी करने का। इसी जद्दोजहद में हम लगे हुए और आखिरी ऑप्शन ये है कि कैम्बर हमारा ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है जहाँ पर लिप्स टायरों के साथ नहीं लग रहा। अब हम लोग स्प्रिंग कटवा के तो हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट करें, पहले हमने स्प्रिंग गाड़ी में से निकाल दिया था, हाइट एडजस्ट हम नहीं कर सकते थे, इसी काविश में लगे हुए हैं, कोशिश चल जारी है। अब जैसे ही गाड़ी फाइनल होगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और यहां से निकलेंगे, उम्मीद करता हूं टाइम से निकल जाएँ ताकि मेरे दूसरे काम आज हो जाएँ, कल शायद मार्केट भी बंद हो तो कल बहुत मेरे लिए मसला हो जाएगा। मैं बॉयज़ बैठे हैं सबके सब आवाज़ार और यहाँ अभी जी ये गाड़ी चल रही है, फिर से उठा दिए जैक पे, कुछ तकरीबन
कम अज कम ना कोई 25-30 बार ये गाड़ी बैक से खुली है, बंद हुई है, खुली है, बंद हुई है, दोबारा एक चीज की है, दोबारा एक चीज की है, कम अज कम 15-20 दफा। और हर दफा पे उम्मीद लगाते हैं कि अब गाड़ी पैक है, मतलब अब गाड़ी बिठाएंगे तो गाड़ी बिल्कुल ईजी होगी, लेकिन नहीं। Few moments later. मेरा दोस्त घर में बैठा हुआ था, कहता मैं आ रहा हूँ दुकान खोलनी मुझे लाल शो आ रहा, लोगों ने आना खोलने तो भैया क्या कर रही कुछ कहना चाहोगे? बस कह रही है आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल हाँ जी भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम तो बढ़ गया। अपना भी चेहरा दिखा दे ताकि। तो बॉयज़ जो बातें रह गई हैं पार्क व्हील्स ऑटो शो से रिलेटेड, और वो मायूसी, वो दुख, वो चीज़ आप शायद मेरे चेहरे पे फील कर पाए, मैं अभी वो दिखा नहीं सकता, बता नहीं सकता, जो चीज़ जो दिमाग मेरा हुआ वैसे टाइम वो मैं आपसे बातें करता थोड़ी देर जा कर ईजी होकर। और फिलहाल मैं कुछ एक्स्ट्रा शायद बोल जाऊँगा या फिर समझ नहीं आएगा कि क्या कहना है, वो मैं आपको मीनिंग अपनी एक्सप्लेन करूँगा घर जाके, और काफ़ी हद तक आप लोग समझ सकते हैं कि मैं इस टाइम किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। और बस दिल को तसल्लियाँ देने के लिए जी गाड़ी माशाल्लाह 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 हज़ार बार माशाल्लाह बोलूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और बाकी हमारे साथ एक ऑटो शो का मसला, दूसरा मसला हमारे साथ एक और सीट हो गया, वो भी मैं आपको घर जाकर बताता हूँ। उस चीज़ का दुख मुझे ऑटो शो से जेन्युइन ज़्यादा है, और दिमाग मेरा उसने ज़्यादा ख़राब कर दिया, वो स्ट्रेस का साथ ये वाला स्ट्रेस आ गया।